Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. Now, my dear grade 7 students, हमने story start कर रखी है quality. इसमें हम देखते हैं कि एक shoe maker होते हैं, ठीक है, जो जूते बनाते हैं, and वो अपने काम में बहुत expert होते हैं, बहुत talented होते हैं, ठीक है, जो जूते वो बनाते हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है. अब हम ये भी देखते हैं कि एक बच्चा होता है जो उनके पास जूते बनाता है, ओके, मतलब बनवाता है, वो एक टाइप के जूते, एक बूट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बनवाते हैं, ठीक है. तो ये देखिए पिक्चर में ये है मिस्टर गेसलर जो शू मेकर है, एंड ये बच्चा है जो इनके पास बनाता है. बचपन से इनके पास आता था, देखता था कि ये ऊपर इनके घर में एक कमरा होता है जहाँ पर इनको वो उसे उनका बूट ड्रीम कहते हैं, जहाँ पर वो सारे अपने जूते बनाते हैं लेदर के, चमड़े के. ये देखिए इनके हाथ में चमड़ा होता है और ये हमेशा एक एप्रन पहने हुए होते हैं, ठीक है. एप्रन आई टोल्ड यू ऊपर से पहनते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो. सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी कि आगे क्या होता है. अभी जो बच्चा ये कहता है कि मतलब ये जो जूते बनाए हैं ये कभी टूटते नहीं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन अब एक हादसा ऐसा हुआ कि वो जूता ख़राब हो गया. तो अब देखते हैं कि मिस्टर गेसलर को कैसा फील हुआ. अब बच्चा हमें कहानी कंटिन्यू करता है. I cannot forget that day on which I had occasioned to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. अब ये एक दिन का वाकया है, एक दिन का बात है जब मैं भूल नहीं पाता कि मैंने मिस्टर गेसलर को कहा था कि वो जो अपने बूट्स बनाए थे, वो जो जूते थे, वो क्रीक कर गए. क्रीक मीन्स जब एक आवाज़ होती है लाइक टूटने की, या जो हील का पार्ट होता है शू का, वो घिस गया या वो टूट गया. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked. It did, I'm afraid." अब वो जो थे वो बहुत थोड़ा सरप्राइज थे, मेरी तरफ देखते रहे कि शायद मैं अपनी बात बदलूँ या कुछ इस तरह से. फिर वो क्योंकि उन्हें शौक थे, सरप्राइज थे कि कैसे टूट गया या कैसे ख़राब हो गया. वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं बताता हूँ कि सच में ऐसा हुआ है. You got them wet before they found themselves. वो बताते हैं कि शायद तुमने उन्हें गीला कर दिया था. ओके, आई डोंट थिंक सो, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशनड दिस ग्रेव थिंग. ज़ेन देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम. अब खैर वो इस बात को सोच के बहुत दुखी होकर नज़र नीचे झुका लेते हैं, एंड ये सोचते हैं कि वो कौन से बूट्स थे. ओके, एंड देन वो कहते हैं कि ठीक है, उन्हें वापस भेज दो, आई विल लुक एट देम. The boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. वो बताते हैं कि वो जो चमड़ा यूज़ होता है कुछ स्टार्टिंग से ही ख़राब होते हैं, लेकिन अगर वो ठीक नहीं होते आपके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे. Once only I went absent-mindedly into his shop, into a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, those are not my boots. अब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं उनकी दुकान में जाता हूँ, शूज़ ले लेता हूँ, ठीक है, एक एमरजेंसी में, दैट इज़ जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दी थी. नाउ वो ऑर्डर तो ले लिया था लेकिन लेदर नहीं देखा था कि किस टाइप के थे, कैसे जूते थे. एंड देन वो फिर ये भी कहते हैं कि नहीं है, मेरी शॉप के नहीं है. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down, pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब उनकी आवाज़ में गुस्सा भी नहीं था, दुख भी नहीं था, कुछ लड़ाई सी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन एक ऐसी आवाज़ थी जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया. उन्होंने अपनी उंगली लगाई उस जूते पे जहाँ से, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जूते के टिप पे. इफ अज यू देयर, ही सेड, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज स्ट्रेट्स. वो बड़े दुखी होते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं, और बहुत ही बिटरली, जब हम कोई बात बिटरली कहते हैं मतलब हमें वो बात बहुत बुरी लगी है, बहुत गलत लगी है, फिर भी उन्होंने उस दिन अपने हालात एंड ये जूते बनाने की, कितना इसमें समय लगता है, कितना मुश्किल होता है, ये सारी बातें मेरे से शेयर करते हैं वो. दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाई वर्क. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हू लव आवर बूट्स. इट गोज़ टू देम
Presently, I have no work. Every year it gets less. You will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. अब वो ये हालात बताते हैं कि जो दूसरे शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, वो सब एडवर्टाइजमेंट से अपने शूज़ बेच देते हैं, ना कि मेहनत से. एंड वो हमारी मेहनत होती है जो वो हमसे छीन लेते हैं. यहाँ तक कि मेरे पास काम नहीं रहता हर साल, ठीक है, काम घटता रहता है. अब खैर, उसे देख के, उनके चेहरे को देख कर, मिस्टर गेस्लर के, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कितना स्ट्रगल है, मतलब कितना मेहनत करते हैं वो, और उनके जो लाल बियर्ड थी, ठीक है, दाढ़ी, उसमें कितने ग्रे. जब हम सफ़ेद कहते हैं ना, बाल सफ़ेद हो गए, तो हम सफ़ेद नहीं कहते, हम उन्हें ग्रे कहते हैं, ग्रे हेयर. एज बेस्ट एज आई कुड, आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल्ड ओमेन बूट्स, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. अब उनके हालात देखकर और उन बूट्स के बारे में बात करके, जब मैंने उनका चेहरा देखा जिस पे एक इतना गहरा इम्प्रेशन था, ये सोचकर कितना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए, एंड वो बहुत समय तक चले, यहाँ तक कि 2 सालों तक मुझे जाना भी नहीं पड़ा. It was months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब काफ़ी महीने बाद ही उनकी दुकान पे जाना हुआ मेरा, एंड इस बार वहाँ उनके बड़े भाई थे जो कि एक लेदर का टुकड़ा लिए हुए थे हाथ में. वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी. आई एम रियली वेल, ही सेड स्लोली, बट माय एल्डर ब्रदर इज डेड. अब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे हैं, तो वो मेरे पास करीब आके मुझे कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." अब खैर, उनके करीब से मैंने देखा तो वो तो वही थे, लेकिन उन पे बुढ़ापा आ चुका था, एंड आज तक उन्होंने अपने भाई की बात नहीं करी. फिर भी काफ़ी हैरत के साथ मैंने सॉरी कहा. Yes, he answered, he was a good man, he made a good boor, but he's dead, and he touched the top of his head. Where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? He held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. वो बोलते हैं कि हाँ, वो अच्छा इंसान था, ठीक है, अच्छे बूट्स बनाता था, पर अब वो मर गया. वो अपने सर पे जो है हाथ लगाते हैं, टॉप पे जहाँ कम ही बाल रह गए थे, ओके. अब खैर, वो दिखा रहे थे, बता रहे थे कि वो कितने परेशान है अपने ब्रदर की डेथ से. फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें कोई और बूट्स चाहिए, ठीक है, एंड वो लेदर का जो टुकड़ा है उनके हाथ में दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छा पीस है लेदर का, एक बहुत अच्छा टुकड़ा है लेदर का, ओके. आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वे बेटर देन एवर. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. अब उस दिन भी मैंने काफ़ी पेयर्स ऑर्डर किए. पेयर जब हम जूता कहते हैं, मैंने आपको बताया था, हम पेयर ही कहते हैं. एंड काफ़ी समय हो चुका था, वो काफ़ी अच्छे चले थे, एंड बहुत अच्छे चले थे, इतनी जल्दी वो घिसते नहीं. यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, वेयर, इट मीन्स घिसना, सो इतनी जल्दी वो नहीं घिसते. और उसके बाद मैं बाहर चला गया. अब्रॉड का मीनिंग होता है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ अब्रॉड. फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में हैं, सो अगर आप अमेरिका जाते हैं, या यूएई जाते हैं, या यूके जाते हैं, इट मीन्स यू हैव गॉन अब्रॉड. सो वी विल लुक एट द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.